अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनूजी क्रिएशन। आज हम बनाएंगे नूडल चाउमीन, और उसके लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको चाहिए नूडल्स। तो नूडल हम 3 टाइप के लेंगे। एक लेंगे हम कोरियन नूडल्स, ये जो चीज़ फ्लेवर के हैं मैंने वो लिए हैं, और सेकेंडली मैंने कनोर के 2 नूडल्स लिए हैं जिसमें से एक मसाला फ्लेवर है एंड सेकेंड चिकन फ्लेवर है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके केक अलग कर लेंगे और इनके मसालों के पैकेट अलग कर लेंगे, और इन तीनों मसालों को हमने अलग अलग डायरेक्शंस में यूज़ करना है स्टेप्स के साथ। ओके, ये देखें जी कोरियन नूडल्स का और कनोर के नूडल्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका केक बड़ा थोड़ा सा ना ऐसे स्पैगेटी टाइप सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर लिया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जाएगी हमारी चिली गार्लिक सॉस, ये हम डालेंगे 3-4 टेबलस्पून। ठीक है, तो बस, और साथ में इसके अंदर 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और ये जो कोरियन नूडल्स के अंदर सॉस का पैकेट था वो सॉस भी हम इस सॉस के अंदर मिक्स कर देंगे, और उसके बाद थोड़ी सी ना 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे एंड बीट इट मिक्स इट वेल। और उसके बाद बस जी, अब हम ले लेंगे चिकन हमारा बारीक चॉप किया हुआ, ये देखें बिल्कुल बारीक सा है ना, आपने छोटे 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 से इसके ना पीस कर लेने हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप कीमा भी ले सकते हैं, मैंने जो है वो बारीक चॉप कर लिया था। सो ये ले लिया जी मैंने 1/2 बाउल, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस इसके अंदर मैंने ऐड की, और ये जो हमारा मसाला फ्लेवर का था कलोर का, वो वाला मसाला फ्लेवर का पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम जिंजर यानी कि अदरक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, और बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है। यहाँ पे हमने एक आलू लिया, उसको छील लिया, और इस तरह श्रेडर से इसको बारीक 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 सा नूडल्स की तरह ही हमने इसको बारीक सा श्रेड कर लिया। ठीक है, वेजिटेबल्स में मैं यहाँ पे कैरेट एंड कैप्सिकम ले रही हूँ यानी कि गाजर और शिमला मिर्च, और यहाँ पे मैंने नूडल्स, कोरियन नूडल्स को पहले मैंने 3 मिनट्स के लिए बॉईल किया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर कनोर के नूडल्स ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि कोरियन नूडल्स जो है वो आपके 5-6 मिनट लेते हैं, और जो कनोर के नूडल्स हैं वो तो 2 मिनट्स में ही डन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह बॉईल कर लेना है, और ये देखें, ठीक है, ये हमारी 2 मिनट में इसको मज़ीद बॉईल करूँगी, और फिर इसको मैं स्टेन करके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये आपस में ना जुड़े। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, क्योंकि मुझे बाद में रिलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने ज़्यादा ऑयल ले लिया है। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसको आलू इसके अंदर ऐड किए। बेसिकली मैंने आलू की वजह से ही ऑयल ज़्यादा डाला, बट मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो गया है, आप लोग थोड़ा सा कम डाल लीजिएगा। एनीवेज, आलू आप इसके अंदर डाल के थोड़े से फ्राई करने हैं, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट्स। लेकिन तो ये चली गई हमारी कैरेट्स, और बस इसको भी हम अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मतलब मिक्स करके, और 2 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे कि ताकि हमारी गाजर भी थोड़ी सी ढीली पड़ जाए और आलू में भी जो है ना, वो आलू भी अच्छी तरह गल जाए हमारे। वैसे आलू ये आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपने बारीक स्ट्रेट किए हुए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और ये हमारी वेजिटेबल्स जो है इनको हम साइड पे रख देंगे, और उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चिकन फ्लेवर का जो तो पैकेट था वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और चिकन पाउडर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट चिकन फ्लेवर का जो मसाला था वो इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके और वेजिटेबल्स को साइड पे रख दिया।
अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर अगेन हम मैंने जो वो एक्सेसिव ऑयल था वही यूज़ किया। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है यानी कि गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला। चिकन को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भुना और उसके अंदर ही ये मेरा क्योंकि बारीक चॉप हुआ हुआ था तो वो डन हो गया था, बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका था। अब हम इसके अंदर अपने सारे लवाजमात जो हमने साइड पर रखे हुए हैं वो डाल देंगे, यानी कि वेजिटेबल ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हमारे क्या रहेगी सॉस रहेगी, सॉस ऐड करेंगे। और एंड पे बिल्कुल आपने जो आपकी कोरियन, मैंने आपको बताया कि मैंने चीज़ फ्लेवर लिया है तो वो बिल्कुल आपने इसको मिक्स करने के बाद बिल्कुल एंड पे जाके ना आपने चीज़ पाउडर ऐड करना। ये देखें जी मेरा सब कुछ मिक्स हो चुका और एंड पे मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया और ये डन है जी, डन। तो ये है चीज़ का भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और ये गरम गरम से हमारी चौमिन नूडल्स चौमिन रेडी है। ये देखें जी, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा गाला था क्योंकि मैंने मेरी बेटी ने भी खाना था, तो आप अपने हिसाब से इसको गालिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।